रिश्ता है जो सिर्फ दो लोगों को ही नहीं दो रूहों को जोड़ता है। एक ऐसा रिश्ता जहां दो लोग एक होकर जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाते हैं। लेकिन फिर अचानक से तीन अल्फाजों का एक लफ्ज जिसे एक साथ तीन बार बोल दिया जाए तो सारे दिए हुए वचन सब फीके पड़ जाते हैं। हम तलाक देते हैं आपको। तलाक, तलाक, तलाक। उनको शर्म आनी चाहिए। आप भी उसी भीड़ का हिस्सा है जो हाथ में तलवार लेकर इंसानियत का खून करने पर आमादा है, और वो भी इस्लाम के नाम पर। माँ फिर गया इसका। तलाक की बिद्दत के बाद जोड़े को साथ में रहने की इजाजत नहीं है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? इतनी मोहब्बत है ना अफजा से, तो उसे दोबारा पाने का सिर्फ एक रास्ता, उससे निकाह हलाल करवा रहा हूँ। हम एक ऐसे मजहब में पैदा हुए जहाँ घर की बहू के साथ हलाला के नाम पर घर के ससुर हम बिस्तर हुआ करते हैं। नाम क्या है आपका? चेहरा दिखाकर बात कीजिए, थोड़ा खुलकर जीना सीखिए। हमें भी खुलकर जीना है, क्या आप हमें भी मंदिर लेके जाएंगे? जरूर मोहतरमा, आप अच्छी तरह सोच लेना, मैं तो कल फिर आऊंगा। अरे यहाँ सभी की खुशी के लिए हर रस्म होती है। और इसी के साथ मुस्कान आज़ादी महसूस करके हमेशा के लिए इन्हीं की हो गई। कुछ राजनीतिक पार्टियां केवल मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। नेताजी, आपने जो काम कहा था वो हो गया। मित्रों को नमस्कार। फिर राम जी के जीवन में हनुमान आते हैं। यद्यपि हनुमान को ये मालूम था कि कोई राम जी के रूप में जन्म लिया है, लेकिन वो राम उनसे मिलेंगे ही उनकी कल्पना नहीं थी। परिचय मिलते ही हनुमान जी पहचान गए कि यह तो आज का मानव भगवान बनकर आए हैं, और इसके पश्चात हनुमान को राम जी गले लगाते हैं और एक नया इतिहास रामायण बन जाती है। एक कल्पना करो कि जिस कीदराज ने सीता हरण के समय अपने प्राण दे दिए, लेकिन वही सीता का विमान ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से भी तो गया था, जिसमें ये सब महापुरुष बैठे थे, सुग्रीव, जामवन, धनवान, नल, नील सब बैठे थे, लेकिन किसी ने भी सीता की सहायता नहीं की। और वही हनुमान राम जी के गले लगाने पर वह न केवल अपने प्राण देने को तैयार, बल्कि राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। मित्रों, यह प्रसंग हमको बताता है, ताकत हनुमान में नहीं होती, ताकत राम के प्यार के इंजेक्शन में होती है। जब राम ने हनुमान को गले लगाया, हनुमान बदल गया। आज भी नगरवासी राम ग्राम गांव में रहने वाले हनुमान को गले लगाएंगे, ये हनुमान राम राज स्थापित करने के लिए सक्षम हो जाएगा। इसलिए आज हमारे सामने राम जी का ये जीवन एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि जाओ, घर छोड़कर जाओ, किसी कुटिया में किसी हनुमान को गले लगाओ और इस देश को सुखी बनाओ। सबको नमस्कार, धन्यवाद।